इसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की फिल्म है ये मेरा दिल लेके देखो। ये एक लड़की की कहानी है जो कि लंदन से आती है अपना दिल देने अपने एक फ्रेंड को, और उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद उस लड़की पे क्या गुजरती है। और बहुत ही कॉमेडी फिल्म है क्योंकि उसमें तीन लड़के और हैं, और पूरा उसका जो पूरी फिल्म है उसमें यही सब होता है कि कैसे वो लड़की अपना लड़का आखिर ले जाती है या नहीं ले जाती है वापस, वो इस पे है कहानी। जी, आपने फिल्म के बारे में बताया जी, प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहेंगे, पहली फिल्म आपकी शॉटगन की जी जी, जाहिर सी बात है आपके सारे स्टार भी न्यू कमर है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे न्यू कमर्स हैं फिल्म के, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में, और मैं खुद एक न्यू कमर हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम न्यू कमर्स को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि हर एक न्यू कमर होता है कभी ना कभी लाइफ में, अब आगे जाके वो बन जाता है तब जाके वो एक वेटरन कहलाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्टर से लेके मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं नई हूँ, मेरा डायरेक्टर नया है, और मेरी जो स्टोरी लिखी है जिन्होंने नंदिता पुरी, मिसेज ओम पुरी जो हैं उनकी कहानी है, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ मिलके उन्होंने लिखी थी ये कहानी, तो और जो लड़के हैं तीन लड़के नए हैं, एक लड़का बहुत ही नामी मॉडल है पुनीत तेजवानी, और कोयल पुरी है जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में। जी, म्यूजिक के बारे में बात करना चाहेंगे। म्यूजिक तो इस फिल्म का बहुत ही अच्छा है, जतिन ललित ने इस मूवी में बहुत ही यंग म्यूजिक दिया है, रोमांटिक रोमांस के तो वो लोग किंग है ही, और इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना उन्होंने किया है, और बाकी तो सारे रॉकिंग सॉन्ग्स है। आपका फेवरेट सॉन्ग इसके बारे में बताइए। मेरा फेवरेट सारे सब। जाहिर सी बात, आपकी पहली प्रोडक्शन जी फिल्म है ये जी, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी, बहुत सारी चैलेंजिंग होगी इस फिल्म के लिए जी, तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप इस फिल्म से? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग जाएं मेरी फिल्म को देखें और बाहर आके हंसते बाहर आएं, बस मैं इतना चाहती हूँ, और बाकी तो देखें, हमने तो पूरी कोशिश की है एक अच्छी फिल्म बनाएं, लोगों के सामने आएं और उनकी मतलब उनको हम एंटरटेन करें, जो कि इस एंटरटेनमेंट बिजनेस का काम है, तो उम्मीद तो पूरी है, अब आगे देखें। थैंक यू। थैंक यू।